वेलकम फ्रेंड्स टू पीओ गाइड टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फिनाकेल में जो पासबुक हम प्रिंट करते हैं उसका सेटिंग्स हम कैसे करें, यानी कि पासबुक सेटिंग्स हम फिनाकेल में करेंगे प्रिंटर से करेंगे एंड कैसे प्रिंट होता है वो भी हम देखेंगे प्रिंटर पे एंड ऑल अलाइनमेंट्स ऑल मार्जिन्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड अगर वीडियो को पसंद आए एंड हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो हम हमारा कंप्यूटर का डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए हम जेनेरिक IBM प्रिंटर इंस्टॉल हुआ है, इस प्रिंटर पर हम सेटिंग्स करेंगे। तो हम प्रिंटर को सिलेक्ट करके ऊपर देखिए ऑप्शन है प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज़, इस ऑप्शन पे जाके हम क्रिएट न्यू फॉर्म ये पे करेंगे। इसका नाम हम डालेंगे, कुछ भी नेम आप दे सकते हैं, हम पासबुक दे देंगे। फिर यहाँ पे मेजरमेंट पे हम इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे। फिर जो विड्थ है विड्थ हम डालेंगे यहाँ पे 8.20 IN यानी कि इंच 8.20 इंच एंड फिर लेफ्ट हम डालेंगे 0.20 इंच एंड टॉप पे हम 0.80 इंच डालेंगे। फिर देखिए हाइट हम डालेंगे यहाँ पे 5.80, जो हमारा पासबुक का सेटिंग्स है वो ए मेजरमेंट के ऊपर से प्रिंट होगा एंड फिर राइट एंड बॉटम यहाँ पे 0 रहेंगे। फिर इस फॉर्म को हम सेव कर लेंगे। तो देखिए सेव हो गया, फिर हम क्लोज कर देंगे इसको, इस स्क्रीन को। फिर देखिए हम प्रिंटर जिस प्रिंटर पे प्रिंट होगा, पासबुक प्रिंटर है, यह के प्रिंटर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। तो प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद हम एडवांस टैब पे आ जाएंगे डायरेक्टली, और कहीं भी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम ट्रैक्टर फिट जो ऑप्शन है यहाँ पे हम जो इसको चेंज कर देंगे, पेपर फिट ट्रैक्टर फिट हम यहाँ पे पासबुक कर देंगे। फिर पेपर साइज़ इसको भी हम पासबुक कर देंगे। फिर यहाँ पे अप्लाई ओके कर देंगे। तो फिर से हम अब प्रिंटर प्रेफरेंस पे जाएंगे। हम प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ का काम हो गया, तो प्रेफरेंस यहाँ से भी आप जा सकते हैं प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में, फिर नहीं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है प्रिंटर प्रेफरेंस। तो प्रिंटर प्रेफरेंस पे जाके यहाँ पे एडवांस ऑप्शन है, तो एडवांस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो एडवांस पे जाके यहाँ पे हम पेपर साइज़ पासबुक कर देंगे, जो भी लेटर था जहाँ पे लेटर रहेंगे हम उसको पासबुक कर देंगे एंड यहाँ पे इसको हम 240x216 जो है ऑप्शन है वो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम चेक कर लेंगे प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे, देखिए यहाँ पे पासबुक हो गया है, पासबुक हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो ये गया आपका प्रिंटर का सेटिंग्स। फिर हम फिनाकेल में ब्राउज़र में कैसे सेटिंग्स करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आ गया है, तो यहाँ पे हम फिनाकेल का सेटिंग्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फाइल जो ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का, तो फाइल ऑप्शन पर जाके यहाँ पर हम पेज सेटअप ऑप्शन पर जाएंगे। तो पेज सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे हमें देखिए जो पेपर साइज़ है यहाँ पे हम पासबुक सिलेक्ट करेंगे जो हम क्रिएट किए थे एंड देखिए इनेबल श्रिंक फिट इसको चेक है, इस चेक को हम उठा देंगे एंड फिर हेडर फुटर में जो ऑप्शंस है हर एक ऑप्शंस के अगेंस्ट पे हम एम्प्टी डालेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं देना है, एम्प्टी करके फिर हम जो फ्रंट है फ्रंट हम कुरियर पे कुरियर जो फ्रंट है उस फ्रंट से हम प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम कुरियर फ्रंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट करेंगे और फिर 12 जो फ्रंट है जो साइज़ है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके कर देंगे एंड फिर देखिए यहाँ पे मार्जिन से यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे मिलीमीटर्स पे है, तो हम लेफ्ट राइट 0.0 कर देंगे, टॉप 19.05 एंड बॉटम 19.05 रखेंगे। अगर ये इंच पे आता है, अगर आपके कंप्यूटर पे इंच पे आता है तो यहाँ पे पहले आपको लेफ्ट पे 0.5 देना है, राइट पे 0.5 देना है एंड टॉप पे 0.8 देना है एंड बॉटम पे 0.75 देना है। ये दे के हम यहाँ पे ओके कर देंगे। फिर हम फिनाकेल में लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करके देखेंगे कैसे HPBP से हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट कैसे होता है एंड किस टाइप का प्रिंट होता है, ये करेक्ट होता है, पासबुक में कैसे आता है वो हम देखेंगे
एंड करेक्टली आ रहा या नहीं वो भी हम चेक कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो HPBP मेनू यहाँ पे हम इनबुक करेंगे पासबुक प्रिंट करने के लिए। फिनाकल थोड़ा स्लो है आज, तो हम ट्राई करेंगे, आ रहा है, टाइम ले रहा है, स्लो चल रहा है। तो आ गया है, यहाँ पे हम अकाउंट आईडी डाल देंगे जिस अकाउंट का हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, इसका हम फर्स्ट पेज जो होता है वो भी प्रिंट करेंगे एंड ट्रांजेक्शन पेज भी हम प्रिंट करेंगे। तो इसका फर्स्ट पेज हम प्रिंट करेंगे अब। तो यहाँ पे हम प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंटिंग ऑप्शन आ गया है, इसको हम प्रिंट करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए कैसे प्रिंटर पे प्रिंट होता है एंड प्रिंट होने के बाद कैसे दिखता है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम पासबुक जो है हमारा वो हम प्रिंटर के अंदर देंगे एंड फिर हम प्रिंट उस प्रिंटर पे जो जेनेरिक IBM प्रिंटर है हमारा, इसमें हम उस प्रिंटर को सिलेक्ट करके प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम प्रिंट स्टार्ट हो गया है, तो देखिए प्रिंट होने के बाद कैसे आता है, कैसे दिखते हैं एंड कैसे इस सेटिंग से कैसे हो प्रिंट ठीक ठाक होता है वो भी हम चेक कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई क्वायरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो देखिए ये फर्स्ट पेज प्रिंट हो गया है, करेक्टली प्रिंट हुआ है एंड ईजिली आप ये सेटिंग्स आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप काम कर रहे हो काउंटर पे या कहीं पे। तो देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट पेज प्रिंट हो गया है, फिर हम हमारा जो ट्रांजेक्शन पेज है उसको भी हम यहाँ पे प्रिंट देंगे एंड कैसे प्रिंट होता है वो भी हम देखेंगे। देखिए हम जो मार्जिन सेलेक्ट किए थे उसके मुताबिक ये प्रिंट हो रहा है। तो जो पासबुक प्रिंटर हमें देखिए हमारा जो पासबुक है उस साइज़ से ऐसे आपको आप ईजिली फिनाकल में पासबुक का सेटिंग्स कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, कोई क्वारी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली कोई वीडियो में।